वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप पार्ट टू, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सांस्कृतिक परिवर्तन भाग दो। बीए प्रोग्राम का बेटा इतिहास का पेपर है ये, सेमेस्टर चार में मेजर पेपर है। पार्ट सात आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवार और वैवाहिक पैटर्न। आपके छह पार्ट के वीडियोज आपके पास ऑलरेडी हैं चैनल पर, सातवां पार्ट में आपको आज कराने जा रही हूँ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के विवाह पैटर्न और वैवाहिक स्थितियों में लोगों के जीवन की समीक्षा कीजिए, किस तरह का जीवन उनका हुआ करता था, शुरुआत में जैसे विवाह के पैटर्न थे उस हिसाब से उनके जीवन की क्या क्या विशेषताएं थी, वो हमें इस क्वेश्चन में करना है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने थोड़ा सा लेंथी लिया है ताकि आपको बीच में से किसी सेगमेंट से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे भी आसानी से लिख पाए बेटा। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में विवाह पैटर्न काफी सामान्य थे लेकिन इनमें कुछ विशेषताएं थी। उस समय के यूरोप में विवाह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्था था जो समाज के अव्यवहारिकता और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। इस युग में विवाह की परंपराएं लोगों के समूहों, सामाजिक वर्गों और क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग थी लेकिन कुछ मुख्य लक्षण सामान्य हुआ करते थे, जैसे आयु और वैवाहिक संबंध। ये समय जब वैवाहिक आयु में काफी अंतर हुआ करता था, मतलब लड़के की एज काफी ज्यादा होती थी, लड़के की उम्र काफी कम होती थी, तो विवाहिता की आयु सामान्यतः बहुत कम होती थी और विवाहित की आयु ज्यादा होती थी। विवाह संबंधित परंपराएं जैसे दहेज, कुल और वंश की प्राथमिकता और धार्मिक अनुष्ठान इस समय में महत्वपूर्ण हुआ करते थे। साथ में सामाजिक स्थिति और विवाह, समाज में स्थिति और विवाह के संबंध महत्वपूर्ण थे। उच्च वर्ग के व्यक्तियों का विवाह आम जनता के व्यक्तियों के विवाह से अलग हुआ करता था। अगला है विवाह की सामूहिकता। विवाह को सामाजिक और पारिवारिक समूहों की मंजूरी के रूप में देखा जाता था, मतलब समाज और परिवार स्वीकृति देगा तो विवाह होगा और इसमें उन समूहों के मान्यताओं और नीतियों का पालन किया जाता था। जिस समूह में रहने वाले लोग होते थे, विवाह करते थे, उनको उस समूह की नीतियों का, उसके नियमों का पालन करना होता था। तो यहाँ तक कि यूरोपीय विवाह संबंधित रीति रिवाज और परंपराएं आज भी इस क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। तो खास खास बातें क्या थी, पहली बात तो एज डिफरेंस, लड़का काफी ज्यादा एज का होता था, लड़की काफी कम एज की होती थी। दूसरा, विवाह से संबंधित परंपराएं उनकी होती थी, दहेज, वंश देखते थे, कुल वंश देखते थे, धार्मिक अनुष्ठान होता था, ये सब चीजें महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तीसरा, समाज में जो व्यक्ति था उसकी, एक अमीर व्यक्ति की शादी जो होती थी गरीब व्यक्ति से बिल्कुल अलग तरीके से हुआ करती थी और समाज से स्वीकृति जरूरत हुआ उनको जरूरी होती थी विवाह के लिए। तो इसके मुख्य पॉइंट हुए। इसके बाद प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के विवाह पैटर्न और सामाजिक संरचनाएं कैसी थी। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में विवाह पैटर्न और सामाजिक संरचनाएं गहरे रूप से जुड़े हुए थे। कैसे, सामाजिक वर्ग और विवाह। यूरोप में विवाह सामाजिक वर्ग के अनुसार होता था। उच्च वर्ग के व्यक्तियों के विवाह में सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पारंपरिक रीति रिवाज हुआ करते थे। विवाह के लिए पारंपरिक रीति रिवाज जैसे दहेज, वंश प्रथा, वर वधु का चयन, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता था। विवाह में धार्मिक अनुष्ठान भी काफी महत्वपूर्ण होता था और ये विवाह धर्मों के अनुसार अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से हुआ करता था। अगला, विवाह की सामूहिकता। विवाह को सामाजिक और पारिवारिक समूहों की मंजूरी के रूप में लिखा जाता था और उसमें उन समूहों की मान्यताओं और नीतियों का पालन किया जाता था। अगला, विवाह का सामाजिक आर्थिक पहलू। विवाह में आर्थिक पहलू भी था जैसे कि दहेज और विवाह संबंधी आर्थिक लाभ। इन सभी तत्वों ने यूरोपीय समाज की संरचना और व्यवहार को प्रभावित किया और उन्होंने इस समय की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रकट किया। आगे, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा कैसे होता था। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा भी उस समय की सामाजिक संरचना और विचारधारा के अनुसार होता था। यहाँ कुछ तत्व हैं, पालन पोषण। बच्चों का पालन पोषण परिवार की महिलाओं की जिम्मेदारी हुआ करती थी और उन्हें घर के काम में शामिल किया जाता था। बच्चों के साथ उनके रिश्ते भी खास हुआ करते थे। शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा मुख्यतः घरेलू होती थी। इसमें धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक शिक्षा शामिल होती थी, बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अधिकांश लोग अनपढ़ थे और शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम थी। काम और शिक्षा, बच्चों को अक्सर छोटी उम्र में काम में शामिल कर लिया जाता था और उनकी शिक्षा को उसके लिए समयोजित कर लिया जाता था, मतलब एक तरह से इंटीग्रेट कर लिया जाता था। काम करते करते बच्चे उसी काम की शिक्षा ले लिया करते थे। सामाजिक संरचना का प्रभाव। सामाजिक संरचना ने बच्चों के पोषण और शिक्षा पर प्रभाव डाला। इसने उनके समाज में और स्थिति में
स्थानांतरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन तत्वों ने उस समय की यूरोपीय समाज की संरचना और विचारधारा को प्रकट किया और इसने उस समय की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया। अगला प्रश्न आपके लिए लिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में हाइड प्रणाली और सामाजिक पदानुक्रम का परिचय दीजिए। हाइड प्रणाली क्या थी? प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में हाइड प्रणाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रणाली थी जिसमें समाज के व्यक्ति अलग अलग सामाजिक पदानुक्रम में व्यवस्थित, मतलब सोशल अरेंजमेंट था एक तरीके से। तो ये मुख्य तत्वों पर आधारित थी। क्या क्या था? समाज का व्यवस्थितीकरण। हाइड प्रणाली में समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा गया था। इसमें उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों में इस तरह से बांटा हुआ था इसको। तो उच्च वर्ग क्या था? उच्च वर्ग के लोगों को समाज में श्रेष्ठ माना जाता था और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। मध्यम वर्ग जो था, मध्यम वर्ग के लोगों को समाज में मध्य स्थिति दी जाती थी, उन्हें सामाजिक और आर्थिक उन्नति का मार्ग मिलता था। निम्न वर्ग, इस वर्ग के लोगों को समाज में कमजोर माना जाता था और उन्हें सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त थे लेकिन राजनीतिक अधिकार इनको प्राप्त नहीं थे। अगला, व्यक्तिगत और पारिवारिक पदानुक्रम। हाइड प्रणाली में व्यक्तिगत और पारिवारिक पदानुक्रम का महत्व हुआ करता था। व्यक्तिगत पदानुक्रम में उच्च वर्ग के व्यक्ति को अधिक महत्व मिलता था जबकि पारिवारिक पदानुक्रम में उनके परिवार की स्थिति भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। हाइड प्रणाली ने इस समय की यूरोपीय समाज की संरचना और सामाजिक पदानुक्रम को प्रभावित किया और इसने उस समय की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रकट किया। अगला प्रश्न आपका बनता है, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में पारिवारिक संरचना और गतिशीलता का अध्ययन कीजिए। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में पारिवारिक संरचना और गतिशीलता के बीच गहरा संबंध था। उस समय की सामाजिक पारिवारिक संरचना में कुछ मुख्य तत्व थे। पारिवारिक संरचना। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में पारिवारिक संरचना आमतौर पर एक उच्च वर्गीय परंपरागत संरचना थी जिसमें पिता की प्रमुखता, माता की देखभाल, बच्चों की शिक्षा को महत्व दिया जाता था। अगला था गतिशीलता। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में पारिवारिक संरचना में गतिशीलता थी जिसका मतलब था कि इसमें बदलाव और विकास होता रहता था। समय समय पर विभिन्न प्रकार की पारिवारिक संरचनाओं में परिवर्तन आ रहे थे। अगला था धार्मिक और सामाजिक बदलाव। उस समय धार्मिक और सामाजिक बदलाव का केंद्र था जिसमें पारिवारिक संरचना भी बदल रही थी, जैसे कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने पारिवारिक संरचना में कुछ बदलावों को स्थापित किया था। अगला था शिक्षा और सामाजिकीकरण। शिक्षा की महत्ता बढ़ी और ये पारिवारिक संरचना को भी प्रभावित करने लगी। बच्चों की शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। भूमिका विभाजन। पारिवारिक संरचना में भूमिका विभाजन भी महत्वपूर्ण था, जैसे परिवार के पुरुषों की और महिलाओं की भूमिकाएं तय थी कि कौन क्या काम करेगा और वृद्धि के लिए नौकरियों का भी विभाजन हो रखा था। तो इन तत्वों ने प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की पारिवारिक संरचना को एक नया आयाम दिया और समाज में गतिशीलता को प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न आपके लिए लिया है बेटा कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार की समीक्षा कीजिए। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में उत्तराधिकार यानी कि इनहेरिटेंस और संपत्ति का अधिकार में से प्रॉपर्टी राइट का विवादित और महत्वपूर्ण मुद्दा था। इस समय के कुछ मुख्य विचार थे। उत्तराधिकार। यूरोप में उत्तराधिकार की परंपरा मुख्य थी जिसमें वंशवाद के आधार पर पुरुष सबसे अधिक संपत्ति के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार भी उत्तराधिकार के साथ जुड़ा हुआ था और संपत्ति का अधिकार समाज में स्थानांतरण के बाद बढ़ जाता था। पुरुषों का अधिकार था। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में पुरुषों को अधिक संपत्ति का अधिकार था जबकि महिलाओं का संपत्ति का अधिकार सीमित था। और धार्मिक और सामाजिक बदलाव। धार्मिक और सामाजिक बदलाव के साथ संपत्ति के अधिकार में भी कुछ परिवर्तन हुए, जैसे कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने संपत्ति के अधिकार में नई सोच को प्रवर्तित किया। नई पीढ़ी का दृष्टिकोण। धीरे धीरे उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार में बदलाव आया और ये अधिकार अब धर्म, जाति और लिंग के आधार पर नहीं था। यह तत्व उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार के संबंध में प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के समाज में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का परिचय देती है। अगला प्रश्न लिया है बेटा, ऐतिहासिक और आधुनिक यूरोपीय विवाह अनुष्ठानों की तुलना कीजिए। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में उत्तराधिकार और संपत्ति का अधिकार जो था विवादित मुद्दा था, ये हो गया है बेटा। इसके बाद आगे धार्मिक आधार। ऐतिहासिक यूरोप में विवाह प्राय एक धार्मिक संस्कार था जिसे अक्सर भगवान की कृपा से सम्मानित एक संयुक्ति के रूप में देखा जाता था। यह धार्मिक विश्वासों और अनुष्ठानों से गहराई से जुड़ा हुआ था। मॉडर्न यूरोप में विवाह अधिकतम रूप से नागरिक संस्कृति और कानूनी ढांचे पर आधारित है, हालांकि धार्मिक अद्वितीयताओं के कारण इसे भी धारण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आधुनिक युग में विवाह के जो है
यहाँ से पढ़े तत्व, यहाँ से प्रश्न आपका बेटा धार्मिक आधार था, जो कि धार्मिक आधार पर दोनों में क्या भिन्नता है प्राचीन समय के यूरोप के विवाहों में और आज के विवाहों में, ये पहला तो है धार्मिक आधार पर, पहले क्या था धार्मिक अनुष्ठान माना जाता था और आज क्या है इसको नागरिक संस्कृति और कानून ढांचे पर आधारित माना जाता है। अगला सामाजिक संरचना, ऐतिहासिक यूरोप में विवाह सामाजिक पर्वों की भूमिकाओं और नीतियों पर प्रभाव डालता था, विवाह को समाज में राजनीतिक गठबंधनों को मजबूत करने, संपत्ति और शक्ति को समेटने और सामाजिक स्थिति को बनाए रखने का माध्यम माना जाता था, लेकिन अब हालात अधिक व्यक्तिगत चयन प्रेम और संगतता पर आधारित होते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, लोग जिसको प्रेम करते हैं उसे शादी करते हैं, पर्सनली चूज करते हैं किसके साथ शादी करनी है और तलाक लेने की नौबत आती है तो वहां पर जल्दी से तलाक भी दे देते हैं। अगला विवाह का दृष्टिकोण, ऐतिहासिक यूरोप में विवाह एक कर्तव्य और सामाजिक उम्मीदों को पूरा करने का माध्यम माना जाता था, जैसे कि वारिश पैदा करना, परिवार की मर्यादा को बनाए रखना। मॉडर्न यूरोप में विवाह को व्यक्तिगत चयन और प्यार और संगीत के साथ एक समर्पण के रूप में देखा जाता है। आजकल क्या है विवाह, वहां पर पर्सनल चॉइस है, प्रेम है किसी के साथ, उसके साथ एक डेडिकेशन है, तो इसके रूप में देखा जाता है। जेंडर की भूमिका, ऐतिहासिक यूरोप में विवाह अक्सर पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को मजबूत करता था, जैसे कि महिलाएं घर का प्रबंधन और बच्चों की परवरिश करने की उम्मीद से शादी की जाती थी। महिलाएं घर में आएंगी तो बच्चों की परवरिश करेंगी, घर का प्रबंधन करेंगी। आजकल क्या है कि बढ़ती हुई समानता और साझा जिम्मेदारियों पर अधिक जोर दिया जाता है। तलाक और पुनर्विवाह, ऐतिहासिक यूरोप में तलाक को अक्सर अमानवीय माना जाता था, माना नहीं जाता था, तलाक होते नहीं थे और प्राप्त करना बहुत कठिन होता था, खासकर महिलाओं के लिए। तलाक के बाद अगर किसी की मौत हो जाती थी तो पुनर्विवाह और मुश्किल होता था, लेकिन मॉडर्न युग में तलाक और पुनर्विवाह बिल्कुल आम बात हो चुकी है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय विवाह पैटर्न की परिभाषित विशेषताएं क्या थी और यह यूरोप में पिछले विवाह मानदंडों से कैसे भिन्न। यूरोपीय विवाह पैटर्न जिसे कि यूरोपियन मैरिज पैटर्न्स कहा जाता है की विशेषताएं उनकी पूर्व वैवाहिक मानदंडों से कुछ इस प्रकार से अंतर है। उत्तराधिकार ईएमपी में यानी कि जो है यूरोपियन मैरिज पैटर्न में उत्तराधिकार की प्रथा थी जिसमें पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती थी, तो पिछले मानदंडों में भी उत्तराधिकार पुरुषों को ही मिलता था, लेकिन ईएमपी में उत्तराधिकार धीरे धीरे कम हो गया है। सामाजिक परिस्थिति, पिछले मानदंडों में विवाह सामाजिक स्थिति को मजबूत करने का प्रमाण माना जाता था जिसे परिवार की मर्यादा रखने में बनाए रखने में मदद मिली, लेकिन अब ईएमपी में विवाह का तत्कालिक मूल्यांकन समर्पित है और सामाजिक मान्यताओं का कम प्रभाव। विवाहित जोड़े के संबंध में, पिछले मानदंडों में विवाह को संबंध के रूप में देखा जाता था और इसे परिवार और समाज की मजबूती का प्रमाण देखा जाता था। ईएमपी में विवाह को व्यक्तिगत संबंध के रूप में देखा जाता था जिसमें सामाजिक मान्यताओं का प्रभाव कम है। धार्मिक आधार, ईएमपी में विवाह को धार्मिक आधार पर नहीं देखा जाता जबकि पिछले मानदंडों में विवाह धार्मिक संस्कार के रूप में होता था। तो इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि ईएमपी और पिछले वैवाहिक मानदंडों में विवाह के सिद्धांत और प्रथाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अगला प्रश्न है, 1550 से लेकर के 1780 तक की अवधि में आर्थिक कारकों ने विवाह पैटर्न विशेषकर प्रथम विवाह की उम्र को कैसे प्रभावित किया। ये आपका पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1550 से लेकर के 1780 की अवधि के दौरान आर्थिक कारकों ने वैवाहिक पैटर्न विशेषकर प्रथम विवाह की उम्र को कई तरीकों से प्रभावित किया। पहला आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति ने विवाह की उम्र को प्रभावित किया क्योंकि धन और संपत्ति के अभाव में विवाहिता की उम्र कम रह सकती है, क्योंकि उसके पास न धन होता है न संपत्ति होती है, उसकी उम्र कम होती है। शहरीकरण और व्यापारिकीकरण ने, शहरीकरण और व्यापारिकीकरण के कारण जनसंख्या बढ़ी, नए रोजगार के मौके उत्पन्न हुए जिससे युवा विवाह की उम्र में और ज्यादा उत्तेजित। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन जैसे कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और आयुर्वेदीय प्रभावों के कारण लोगों के सोचने की प्रक्रिया में बदलाव आया जिससे युवाओं के विवाह की उम्र में बदलाव आया। अगला सामाजिक दबाव, सामाजिक दबाव के कारण भी विवाह की उम्र में कुछ बदलाव हुआ क्योंकि परिवारों को विवाहिता की जल्दी शादी करने के लिए दबाव महसूस हो सकता था। तो इन कारकों के सहयोग से 1550 से 1780 की अवधि के बीच में विवाह की उम्र में कुछ बदलाव आया और युवा उम्र में विवाह करने की प्रवृत्ति में वृद्धि दर्ज की। अगला प्रश्न है, इस अवधि के दौरान यूरोप में सामाजिक पदानुक्रम, वैवाहिक पैटर्न, भूमि स्वामित्व पर हाइट प्रणाली के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। पहले भी एक क्वेश्चन हमने इसका किया था बेटे, दूसरा क्वेश्चन इस तरह का मैं कर रही हूँ। यहाँ पर हाइट प्रणाली यूरोप में मध्यकालीन काल से लेकर नए कालीन काल तक यानी आधुनिक काल तक सामाजिक पदानुक्रम, वैवाहिक पैटर्न और भूमि स्वामित्व पर गहरा प्रभाव डाला है इसने। ये प्रणाली उस समय की सामाजिक संरचना का मुख्य हिस्सा थी और समाज में प्राथमिकताओं को तय करती थी, जैसे कि सामाजिक पदानुक्रम। हाइट प्रणाली में समाज को वर्गों में बांटा गया था, ये वर्गीकरण सामाजिक विभाजन की एक अवधारणा थी जिसमें व्यक्ति की स्थिति, परिवार की संपत्ति के आधार पर उसे एक वर्ग में स्थान दिया जाता था।
दूसरा विवाह पैटर्न, हाइट प्रणाली से विवाह वर्ग के अनुसार किया जाता था। उच्च वर्ग के लोगों के विवाह उच्च वर्ग के लोगों के साथ ही होते थे और निम्न वर्ग के लोगों के विवाह निम्न वर्ग के सदस्यों के साथ होते थे। भूमि स्वामित्व, हाइट प्रणाली में भूमि स्वामित्व पर भी वर्गीकरण का प्रभाव था। उच्च वर्ग के लोगों के पास ज्यादा भूमि होती थी, निम्न वर्ग के लोगों के पास कम भूमि होती थी। तो इन प्रभावों के कारण हाइड प्रणाली ने यूरोपीय समाज में सामाजिक विभाजन को मजबूत किया और उस समय की सामाजिक संरचना को स्थापित किया। अगला प्रश्न है, इस बात पर विचार कीजिए कि 1550 और 1780 के बीच परिवार और विवाह पैटर्न में परिवर्तन उस समय के व्यापक सांस्कृतिक और सामाजिक बदलावों को कैसे दर्शाते हैं। तो उत्तर है, 1550 और 1780 के बीच यूरोप में परिवार और विवाह पैटर्न में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो उस समय के व्यापक सांस्कृतिक और सामाजिक बदलावों को प्रतिबिंबित करते हैं। पहला है पारिवारिक संरचना। यह अवधि पारिवारिक संरचना में बदलाव का साक्षात्कार करती है। ग्रामीण समाजों में परिवारों का आकार कम होने लगा, छोटा होने लगा और उनकी संरचना भी बदली। नगरीय समाजों में नए पारिवारिक संरचनाओं का विकास हुआ जो कि अधिक व्यक्तिगतीकृत थे और औद्योगिक थे। विवाह पैटर्न भी बदल गए। युवाओं की स्थिति और आर्थिक स्थिति के मद्देनजर उनकी विवाह की उम्र में वृद्धि दर्ज की गई, साथ ही प्रेम विवाह की प्रवृत्ति भी बढ़ी। महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भूमिका में भी बदलाव देखा गया। उन्हें शिक्षा, रोजगार के अधिक अवसर और आर्थिक स्वतंत्रता के अधिकार मिलने लगे। अगला, सामाजिक वर्ग संरचना। तो सामाजिक वर्ग संरचना में भी परिवर्तन देखा गया। उच्च वर्ग के लोगों की संपत्ति और सामाजिक स्थिति में वृद्धि हुई जबकि निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति में सुस्ती देखी गई। तो इन परिवर्तनों ने यूरोपीय समाज में सामाजिक संरचना, विवाह पैटर्न और पारिवारिक संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संकेत दिया था। ये था आपका बेटा पाठ 7, वैवाहिक पैटर्न, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में वैवाहिक पैटर्न। ही आपका पार्ट 7 था। आपका जो पेपर है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप का, तो ये बेटा आपका 7वां पार्ट हो चुका है। 2 पार्ट और रह गए हैं, उनको मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो जल्दी से बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।